नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 580 अभ्यर्थियों की लिस्ट का जो मैटर है बीएड टेट 2011 से संबंधित है, और इसको लेकर के कुछ लोग जो है मॉडिफिकेशन याचिका में गए थे, उसका आर्डर आया हुआ है, और इनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली है, क्या पूरा मामला है इस वीडियो में समझेंगे, और क्या आर्डर आया है इसको भी जानेंगे, आगे इसमें क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 68,015 लोगों की जो लिस्ट थी, जो याचिकाकर्ता थे विभिन्न आईएएस में, विभिन्न पिटिशन में, और एक थी 12,091 की लिस्ट बीएड टेट 2011 के मैटर की, इसको फिल्टर करके लगभग 580 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था कि ये जो है मेरिट में होने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन दोनों लिस्ट में से वो 68,500 में भी थे और 12,091 में भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, और लगभग 580 लोगों को सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा छांटा गया था कि भाई इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरिट में आ रहे हैं, इनके नंबर जो है मेरिट जो नियुक्त हुए हैं उनकी मेरिट से ज़्यादा हैं, और बाकी में जो है क्लरिकल मिस्टेक है। इसको लेकर के एक मॉडिफिकेशन याचिका पड़ी थी, पहले याचिका पड़ी, यू ललित जी ने खारिज कर दी, उसके बाद मॉडिफिकेशन याचिका डाली गई जिसका जो है ऑर्डर भी आ गया, और वो मॉडिफिकेशन जो याचिका थी उसको डिसमिस्ड एज विथड्रॉ, यानी कि कोर्ट के दबाव के कारण वापस लेना पड़ा है उस मॉडिफिकेशन याचिका को। अभी मैं ऑर्डर भी आपको दिखाऊँगा। इस वजह से जो 580 लोग हैं इनकी नियुक्ति पूरी तरीके से अधर में है, चूँकि सरकार ने ही माना था कि जो 580 लोग हैं ये नियुक्त के काबिल हैं, लेकिन सरकार ने इनको सही माना और कहा कि ये लोग कटाप से ऊपर हैं, इसलिए इस वजह से इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का जो रवैया था पूरी तरीके से ढुलमुल रवैया था, और ये मान के चलिए कि मॉडिफिकेशन याचिका डाली जाती है और नियुक्ति के लिए डाली जाती है, फिर भी उस पर सरकार किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लेने से जो है घबरा रही है। याचिकाकर्ता अगर वापस ना लेते, कोर्ट के दबाव के कारण याचिकाकर्ता अगर इस अपील को वापस ना लेते तो उन पर जुर्माना लग सकता था, इस वजह से ही वो वापस ले ली गई। फिलहाल याचिका डिसमिस्ड हो चुकी है। एक बात पूरी तरीके से तय है कि जब तक यूयू ललित रहेंगे और इस मुद्दे को 72,825 वाले मुद्दे को देखेंगे, तब तक जो है निश्चित रूप से जितनी भी याचिकाएं जाएंगी वो लगभग लगभग खारिज होती रहेंगी। अब मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिसमिस एज विथड्रॉ, ये जो है वापस, और यहाँ पर जो जज थे उदय उमेश ललित, पूरी तरीके से डिसमिस एज विथड्रॉ। और इसका जो ऑर्डर आया उसको भी देखिए, इस ऑर्डर में पूरी तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रे फॉर एंड इज ग्रांटेड लिबर्टी टू विथड्रॉ द इंस्टेंट एप्लीकेशन। ये लिबर्टी प्रदान की जाती है कि आप इस एप्लीकेशन को वापस ले लें। द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस एज विथड्रॉ, ठीक है, वापस ले ली गई है, इस वजह से इसको डिस्पोज किया जाता है। तो ये पूरा ऑर्डर है उस मॉडिफिकेशन याचिका का, यानी कि 580 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है और जो लिस्ट है उसमें भी जो है अब कुल मिलाकर के किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार 72,825 को क्लोज भी मान रही है, दूसरी तरफ पैरवी भी कर रही है, और पैरवी नाम मात्र की, पूरी तरीके से पूरा ढुलमुल रवैया इस मैटर में चल रहा है। तो दोस्तों 580 अभ्यर्थी वो चिन्हित किए गए थे जो जितने तक नियुक्त हुई है, चाहे जनरल की हुई हो, चाहे एससी की हुई हो या ओबीसी की हुई हो, इन 580 अभ्यर्थियों की जो मेरिट है अपनी कैटेगरी में नियुक्त पाए हुए अभ्यर्थियों से ऊपर थी, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों ये जो छाटे गए 68,015 जो कि विभिन्न आईएएस में याची थे, और जो 12,091 के कुछ लोग, यानी कि दोनों में कॉमन थे, 68,015 में भी और 12,091 में भी लोग कॉमन थे, उसमें से ये लिस्ट तैयार की गई थी, और इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय फिलहाल नहीं हो सका है।